अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील-उर-रहमान है, आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के तावन का, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन का, और आप लोगों ने जो वक्त देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एंड से ये कोशिश होती है कि हम तमाम तर वो वीडियोज़, वो मालूमात, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जो कि दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर आपको नहीं मिलती। आज एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ क्योंकि यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं, जो हमारी टीम उसको मॉनिटर करती रहती है, और उन कमेंट्स के अंदर बहुत से ऐसे हॉट बर्निंग इश्यूज हैं जिन इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं होती, और यही वजह होती है कि उन टॉपिक्स पर जो बात नहीं होती और लोगों के बहुत से अबहम रह जाते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद हम पूरी तरह इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करते। YouTube के हमारे इस चैनल का मकसद डेफिनेटली हमारा ये मकसद ज़रूर है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, मगर इसके साथ साथ हमारा कस्टमर अवेयरनेस भी एक पूरा इसके अंदर डिपार्टमेंट है। और अगर आप हमारी वीडियोस को देखें तो सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ कोई प्राइसेस अपडेट या इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ जो हॉट बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करें, और आपके नॉलेज बेस जो है वो भी दिन ब दिन उसमें इजाफा होता रहे। तो बहुत बड़ा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत से लोग सुनना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी माफिया इन पाकिस्तान, कि प्रॉपर्टी माफिया है क्या। कमेंट्स, कोई भी वीडियो आप अपलोड कर लें या किसी भी यूट्यूब चैनल, कोई भी जो दूसरे भी क्रिएटर हैं आप उनकी वीडियोस में देखें, कोई भी अगर प्रोडक्ट किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है तो नीचे लैंड माफिया और प्रॉपर्टी माफिया और ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आज हम इसको बेसिकली थॉरली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मगर उन लोगों के लिए जो लोग इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी माफिया है क्या, इसको प्रॉपरली थॉरली वो डिस्कस करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप इसको बाय पार्ट्स भी देख सकते हैं, या आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा एक 8-9 साल का एक्सपीरियंस है रियल स्टेट के अंदर, और मल्टीपल जो हमने सोसाइटीज़ के साथ डील करते हैं या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमारे तक आती है, वो हम आप लोगों के साथ वो कन्वे करें। प्रॉपर्टी माफिया इन पाकिस्तान, इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स के अंदर हम आपको कोशिश करूंगा कि मैं ये समझाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी माफिया जो पाकिस्तान के अंदर है ये काम किस तरह करता है, और दूसरे पॉइंट पे कि हम अपने एंड पे अपने आप को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, और वो क्या की फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है किसी भी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग में, या कुछ भी हम काम अगर कर रहे हैं तो उसको हमने देखना है। ये की पॉइंट्स मैंने अपने पास नोट करके रखे हुए हैं, आज उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी माफिया पाकिस्तान में है क्या, तो आपको बिल्कुल दो चीज़ों को में से एक चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। या तो आप पहली बात ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी बनी हुई हैं और जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे लैंड माफिया हैं, या कोई भी सोसाइटी लैंड माफिया नहीं है उसकी। ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है, मगर उसकी एक मैं आपको सबसे बड़ी रीज़न बताता हूँ। देखें, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें, कोई भी आपकी इंडस्ट्री होती है या कोई भी सेक्टर होता है, तो उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पाकिस्तान में इस वक्त 25 के करीब तकरीबन प्राइवेट बैंक्स हैं। स्टेट बैंक उनको मॉनिटर कर रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उनको मॉनिटर कर रहा है, इसके अलावा अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो तमाम तर उनका चेक एंड बैलेंस और ऑडिट हो रहा है। बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पर तमाम तर इंडस्ट्रीज के लिए चेक एंड बैलेंस है, ऑडिटर्स फर्म हैं, सब कुछ मौजूद है, वहां पे किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस रियल स्टेट इंडस्ट्री पे नहीं है। बड़ी बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ पे कोई भी सोसाइटी आप लॉन्च कर लें या कोई भी काम आप स्टार्ट कर लें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, यानी जो सबसे की पॉइंट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, कि जो लोगों ने पैसे देने हैं। देखें जी, कोई भी बिल्डर है, मैं बिल्डर हूं, हम खुद बिल्डर हैं, हम खुद प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला पार्ट क्या है कि लोगों के पैसे की हिफाजत।
ये पार्ट तो ये डिस्कशन तो बाद में आएगी कि क्या इस सोसाइटी ने कंप्लायंस पूरे किए हैं, क्या ये सोसाइटी एलडीएस के लॉ के मुताबिक बनी है, क्या इस सोसाइटी ने मस्जिद बनाई है, क्या इस सोसाइटी ने यहाँ पे कोई स्कूल रखा है, ये मामलात। और ये मामलात जब आते हैं तो उस वक्त आपके सामने, अगर लाहौर की बात करते हैं तो एलडीए वहां पे मौजूद है और आपको पता ही है कि वो कितने बड़े हाजी साहब हैं, और वो उनका जो काम है कि एलडीए की अप्रूवल, एलडीए की अप्रूवल जो है किसी भी सोसाइटी के लिए, मुझे ये बताएं कि एलडीए किस चीज की अप्रूवल दे रहा है। एलडीए अप्रूवल दे रहा है कि ये सोसाइटी के अंदर ये सारे मामला इस तरह चलेंगे। एलडीए के अंदर ये बात नहीं हो रही किसी भी जगह पे या किसी भी की पॉइंट पे, किसी भी ऐसे फोरम पे क्या ये डिस्कशन हो रही है कि एक कस्टमर बाहर से बुकिंग करवा रहा है, पाकिस्तान से बुकिंग करवा रहा है, कहीं से भी बुकिंग करवा रहा है, उसकी जो जो पेमेंट्स हैं उनका चेक एंड बैलेंस किसके पास है। यानी एक बंदा है, आज सोसाइटी लॉन्च हुई है, 10 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे दें और उसके बाद आप किस्तें देते रहे। 2.5 साल के अंदर आप लोगों ने, अगर 5 मरले का प्लॉट है 35 लाख पे पहुंच गया, 10 मरला प्लॉट है आपने 60 लाख रुपया पे कर दिया, कनाल का प्लॉट है आप 1 करोड़ रुपया दे गए, 2.5 साल के बाद आपको, ये बात को छोड़ दें कि एलडीए से अप्रूवल मिली नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ, 2.5 साल के बाद आपको ये पता चलता है कि आपका तो प्लॉट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हम कहाँ पे खड़े हैं। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर इन सोसाइटीज़ को लेकर आएं, मुख्तलिफ जो भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है उसके अंदर, दुनिया के अंदर ये मामला मौजूद हैं, एस्क्रू बैंक है, एस्क्रू का पेमेंट मेथड्स होते हैं, उसके साथ बड़ा सिंपल होता है कि आप एक थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व करते हैं, आप अपनी पेमेंट्स दे रहे हैं, सोसाइटीज़ अपनी पेमेंट ले रही हैं, ये मामला गवर्नमेंट को देखने चाहिए। मगर खैर, अगर हम गवर्नमेंट के मामला की बात करते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट इंडस्ट्री को कुछ सालों के लिए शायद बंद कर देना चाहिए, और जब ये सारे मामला हों तो उसके बाद कोई आके काम शुरू करे। ये तो एक, खैर, एक लेंथी प्रोसेस है, मगर ये की फैक्टर्स हैं, जो की फैक्टर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे, माजरत के साथ, ये बुरा ना मनाइएगा, इसके अंदर मैं सबके लिए बात करूंगा, इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर से लेके और आखिर तक मैं आप लोगों की जात तक भी बात करूंगा, और इसके अंदर मैं जो हमारी फील्ड के लोग हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ ऐसी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि ये कोई पेड डॉक्यूमेंट्री नहीं मैं बना रहा कि जिसके अंदर ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी को पता चल जाएगा कि किसने क्या किया और कौन कौन कहाँ पर खड़ा है, आइडिया तो हो ही जाता है। अच्छा, नो एजुकेटेड कंसल्टेंट, अब आपके यहाँ पे कंसल्टेंसी में आते हैं, कोई एजुकेशन नहीं है जी, जिस बंदे को दुनिया का कोई काम नहीं है वो रियल स्टेट के ऑफिस के अंदर जाए, वहाँ पे जाके एक सीट पे बैठ जाए, लोगों के साथ अपने रिलेशंस बनाए, 2 प्लॉट उधर से सुन लिए, 2 प्लॉट उधर से सुन लिए। देखें, आप एक, अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो आप ये देखें कि आप जो पैसा कमा रहे हैं क्या वो हक हलाल का है, क्या आप जो लोगों को एक सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आप रागब कर रहे हैं लोगों को, तो बीइंग अ कंसल्टेंट मेरा ख्याल है आप ग्राउंड रियलिटीज को उस कस्टमर से ज्यादा बेहतर जानते हैं, और ये आपका बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला राजक हैं हर चीज के। आप सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए के रिबेट या कमीशन के लिए आप एक बंदे का करोड़ रुपया स्टेक पे लगवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। बहुत अच्छी अप्रोच है हाउसिंग सोसाइटीज की भी, और बिल्डर्स की भी बड़ी अच्छी अप्रोच है कि अच्छे से अच्छा रिबेट दे दो, 10% रिबेट दे दो, 5% रिबेट दे दो, 6% रिबेट दे दो। अब वो सिर्फ कहना है कि जी हमने तो एक वो खोला हुआ है, जगह है वहां पे, आप बकरे लाते जाओ हमसे, अपना उनकी रान आप ले जाओ, 2 लाख रुपये आप ले जाओ, बाकी आप हमारे हवाले कर जाओ, हम उनको देख लेंगे। कंसल्टेंट्स को भी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स को जिंदा रखने के लिए उनकी वो इन्वेस्टमेंट करवाएं कि जब वो इन्वेस्टमेंट उनकी पॉजिटिव हो, उससे वो पैसा कमाएं, उनको ग्रोथ नजर आए। वो आपके लिए अपने इर्द गिर्द के 10 बंदे लेकर आएंगे, ब्रांडिंग करेंगे आपकी। आपने ये चीज भी तो देखें, आप भी तो खुदारा इस चीज को समझे बींग अ कंसल्टेंट, कि क्या आपका ये मकसद, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है
कि आप जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट किसी की करवा रहे हैं, उस रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट का कल को आउटपुट क्या आएगा। आपको बीइंग अ कंसल्टेंट एक ग्राउंड रियलिटी पे बैठे हुए बंदे के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा बेहतर पता है, ये इतना आइडिया कस्टमर को नहीं है। तीसरी चीज, प्लेइंग विद लेवरेज। आप अब बीइंग अ एंड कस्टमर बात करते हैं, आप एक प्लॉट ले रहे हैं, आप किस्तों पे प्लॉट क्यों ले रहे हैं? सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप किस्तों पे प्लॉट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास, आप कहते हैं कि मैंने कनाल का प्लॉट लेना है। माजरत के साथ कि आप बिल्कुल वही अप्रोच है जो पूरे पाकिस्तान में अप्रोच है, कि जिस वक्त हमारे पास एक 1:5 खरीदने के लिए 2 लाख रुपया पूरा है, हम कहेंगे नहीं, कोई मेहरान नहीं किस्तों में मिलती, हम 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे देते हैं, बाकी हम किस्तें देते रहेंगे। लेवरेज यही चीज होती है, लेवरेज होती है कि आप एक छोटा सा चंक दे देते हैं और उसके बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट कैरी ऑन करते हैं। देखें, सबसे पहले बीइंग अ एंड कस्टमर आप भी ये सोचें कि आप लेवरेज के साथ प्ले नहीं करें, काम वो करें जो आप कर सकते हैं, जो आपसे नहीं होता उस काम को नहीं करें। अल्लाह ताला राजक होते हैं, अल्लाह ताला हमेशा इंसान के लिए अच्छे असबाब पैदा करते हैं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है कनाल का प्लॉट, मगर ग्राउंड रियलिटीज में अगर आपकी वर्थ जो है वो 5 मरला की है तो डोंट गो फॉर दी कनाल। आप तंग होंगे, पैसा लगा के आप परेशानी खरीद रहे हैं, ये चीज को आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा, उसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है कि लोगों के पास होल्डिंग पावर ही नहीं होती। मैं बहुत सी वीडियोस के अंदर ये तमाम तर लोगों को 12 दफा समझा चुका हूं, प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ होल्डिंग। मैं बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ डेवलपर, मैं आपके प्लॉट पे आपकी प्रॉपर्टी को कोई वो पानी नहीं लगाता कि जो वो फूले फलेगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को टाइम देना है। आपने जितना टाइम गुजरता जाएगा आपकी प्रॉपर्टी एक्सेल करती जाएगी, और कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है कि जो रातों रात प्रॉपर्टी 2 गुना 3 गुना हो जाए। फिर तो सारी दुनिया, ये बैंकिंग का सेक्टर, ये स्टॉक एक्सचेंज, ये लोगों के बिजनेसेस, लोगों के सर्विसेज सेक्टर, ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। हर बंदा प्रॉपर्टी के अंदर ही पैसे लगाए, उसको क्या जरूरत है काम करने की? सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस जा रहा है, पूरा दिन जलील हो रहा है, शाम को 7 बजे घर पहुंच रहा है, तो उसको तो रियल स्टेट में अपना बेचे, सारा कुछ बेचे, रियल स्टेट के अंदर 2 प्लॉट ले ले, वो तो 2 दिन के अंदर डबल हो ही जाने। ऐसा होता नहीं है, होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ। प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ होल्डिंग। जितना होल्ड करेंगे वो पैसा जो आपके किसी इस्तेमाल के लिए नहीं है उठाएं प्रॉपर्टी में लगा दें, वो पड़ा रहेगा वहां पे, आपको कुछ ना कुछ आता रहेगा उसका। उसके बाद आपने एक चीज जो हम अपनी लोकल मार्केट के अंदर देखते हैं, जो प्रॉपर्टी माफियाज यूज करते हैं, और उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती हमारी आती है, हम लोकल अप्रोच को कभी कंसिडर नहीं करते। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, मगर जब हम प्लॉट खरीदना शुरू करते हैं तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट क्या देख रहे हैं? वेस्ट मरीना। जी, वेस्ट मरीना में आपको मिलेगा। ये वेस्ट मरीना दुबई में अच्छा लगता है भाई, काला शाह काकू के पास तो वेस्ट मरीना नहीं अच्छा लगेगा ना, या लाहौर के अंदर किसी वो ठोकर ने आजबेग से आगे जाके, या रायवंड रोड पे कहीं पे आपको जाके, वहां पे मैं आपको कहूँ जी गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया। कितने लोग हैं जो गोल्फ खेल खेल के बड़े हुए हैं, और जो गोल्फ खेलते हैं क्या वो इस तरह की लेवरेज वाले चीजों में आते हैं? वो कभी भी नहीं आते। उनके पास इतना सरप्लस पैसा होता है गोल्फ खेलने वालों के पास कि वो उनके 8-8 करोड़ रुपए के फेसिंग गोल्फ घर होते हैं। इन चीजों को आप काइंडली थोड़ा सा जरूर कंसिडर किया करें कि अपनी लोकल अप्रोच में रहें। वेस्ट मरीना आ गया जी, गोल्फ कोर्स आ गया, बिगेस्ट मॉल इन पाकिस्तान आ गया, जो रेंट हम आपको दे रहे हैं वो कोई भी नहीं आपको देता, बेहतरीन किस्म के फुली फर्निश्ड हम आपको ये दे रहे हैं, हम फलां चीज आपको कर रहे हैं, फलां चीज हम आपको कर रहे हैं। आप रियलिटी को सोचें, घर क्या होता है, घर क्या होता है। मैं आपसे एक बड़ी मजे की एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरा घर इस वक्त, मैं बहरिया टाउन में रहता हूं, मेरा घर जो है उसके सामने पार्क भी है, जू भी है, और उसके सामने ट्रफाल्गर स्क्वायर भी है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे मेरे पास जो आईफल टावर है, ग्रैंड जामे मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। आईफल टावर में कभी शायद जिंदगी में कोई गेस्ट आ गया तो उसके साथ चले गए। क्या आप रोज पार्क जाएंगे?
जॉगिंग ट्रैक्स तो अलग सी जगह पे है ना, क्या आप रोज जू जाएंगे? ऐसा नहीं है। लोकल अप्रोच को कंसिडर करें, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को कंसिडर करें, या ख्वाबों की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलें। जो आप टीवी पे देख रहे हैं ऐसे करके वो आया, ऐसे गाड़ियां चल रही हैं, ऐसे करके वो जहाज चल रहे हैं पानी के अंदर, और आप जो है समंदर के किनारे अपना घर लेके वहां पे बैठे हुए हैं। समंदर के किनारे आपने करना क्या घर को? आप ये देखें रियलिटी में कि जो पाकिस्तान में हम 90% प्लस लोग अपर मिडिल क्लास जो है, अमीर लोग तो बहुत कम है, अपर मिडिल क्लास लोग जो हैं उनकी अप्रोचेस डिफरेंट है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों का मुस्तकबिल है। देखना तो ये है, मेरे घर के पास स्कूल है, मेरा दफ्तर मेरे घर से कितनी दूर है, मेरे कल को हॉस्पिटल, मेरे माँ बाप को हॉस्पिटल्स में लेकर जाना है तो मेरे पास नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, नियरेस्ट अप्रोच कौन सी है। या आप अपने एरिए में वो 50 किलोमीटर दूर इसलिए जा रहे हैं जी, वो वहां पे जी बड़ा सोना गोल्फ बनना है, तो वो तो जब बनेगा वो तब बनेगा, मगर उस उसके लिए आपको अपनी लोकल अप्रोच को काइंडली जरूर देखें। यहां पे आके हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप बाद में सिर्फ बड़ा इजी है, बाद में यूट्यूब के किसी भी वीडियो को पकड़े, इस वीडियो के नीचे भी आप लिख दें लैंड माफिया सब रियल स्टेट वाले चोर हैं, तो गलतियां कहां पे हैं? गलतियां अगर चोर हैं तो चोरों को रास्ता कौन दे रहा है? ये पनप क्यों रहे हैं? आप ये सोचे ना कि हाउसिंग सोसाइटी के बाद हाउसिंग सोसाइटी आ रही है, रोज टीवी में आप सुनते हैं, यूट्यूब के चैनल्स ओपन हैं, लैंड माफिया डिस्कस हो रहा है, तो फिर आप क्यों जंप लगाते हैं? सिर्फ इसलिए आप जंप लगाते हैं कि वो एक अट्रैक्शन, वो मैसिव कैंपेन्स, अगला टॉपिक है भी यही है कि मैसिव मार्केटिंग, वो मैसिव मार्केटिंग आप बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं, आप टीवी कमर्शियल्स पे देख रहे हैं, लेफ्ट राइट देख रहे हैं, हर जगह पे आपको वो मैसिव कैंपेन्स नजर आ रही हैं। रियलिटी देखें भाई, रियलिटी को देखें। अगर आप कहीं पे एक अपार्टमेंट ही खरीदना चाहते हैं, एक अपार्टमेंट है, हमारे 3 प्रोजेक्ट्स लाहौर में चल रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हमारे, एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, एक फिनिशिंग में चल रहा है, एक अभी शुरू है। मुझे ये बताएं क्या हमने टीवी में एडवर्टीजमेंट नहीं की, मगर हमारे प्रोजेक्ट बिके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डिलीवर किया। एडवर्टीजमेंट का पैसा मैंने आपसे लेना है, आपसे लेना है वो करोड़ों रुपए जो मैंने टीवी के 9 बजे की खबरों के बाद जो मैंने लगाना है एड टीवी पे, वो करोड़ों रुपए भाई उसकी कास्ट है, और वो करोड़ों रुपए कास्ट हर इंडिविजुअल यूजर पे कर रहा है। तो ये मैसिव कैंपेन्स के पीछे या इस तरह की चीज को देखते हुए कि बस वो भागते जाएं, इससे भी अवॉइड करें। अच्छा, दूसरा होता है प्रमोशंस है जी, ऑफर है जी, ये प्रमोशन आई है जी, ये हमारे पास 10 यूनिट रह गए, बस आप ये खरीद लें और ये ऑफर है हमारे पास, ये ऑफर के बाद ये हो जाएगा, ये ऑफर के बाद ये हो जाएगा। जिसका बिक रहा है वो ऑफरें क्यों देगा, ये बताएं ना मुझे। प्रमोशन की कब जरूरत पड़ती है? जिस वक्त चीजें स्टॉक क्लियर करना होता है उस वक्त प्रमोशन की जरूरत पड़ती है ना। देखें ये मुख्तलिफ चीजों के ट्रैप्स हैं, इन ट्रैप्स को थोड़ा थोड़ा समझें, रियलिटी की तरफ आए। जितना आप रियलिटी से दूर होते जाएंगे उतना आप लोग ट्रैप होंगे, उतना ही फिर और बाद में आखिर में यही रह जाएगा, आपके पास YouTube के कमेंट्स ही होंगे जो आप दे सकते हैं, क्योंकि टीवी पे तो आपको कोई लेगा नहीं। टीवी किसी को, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को पकड़ के क्या वो हाउसिंग सोसाइटी वाला अलाउ करेगा किसी मीडिया चैनल को कि आप वहां पे आके जी मैं आपको करोड़ों रुपए के एड्स देता हूं तो आप मुझे जो है वो मेरे खिलाफ खबरें चलाएं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत सी थोड़ी बहुत कभी कभार बात आ जाती है, एक वो बहरिया टाउन के मलिक साहब हैं, उनको पकड़ते हैं मीडिया वाले, वो मीडिया वाले किसी ने पकड़ा और वो पकड़ा उनकी कोई बात को लीक किया जी, मलिक साहब एयरपोर्ट से आए थे, उन्होंने कोविड का टेस्ट नहीं करवाया, मीडिया ने पैसा लिया, खामोश हो गया, प्लॉट लिया, खामोश हो गया। आपकी कहाँ पे सुनवाई होगी भाई? आपकी तो कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी, आपने तो एक प्लॉट 10 लाख 20 लाख 50 लाख के चक्कर में घूम रहे होंगे। तो गलतियां वो हैं जो माजरत के साथ, मैंने ये कहा है कि इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ बातें बुरी लगें तो जरूर सोचिएगा जरूर कि मैं आपके साथ एक सच्ची बात कर रहा हूं, जिस बात के अंदर मैं हर एस्पेक्ट को पॉइंट आउट करूंगा। अब किसी को वो बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मगर रियलिटी यही है, मार्केट के अंदर यही कुछ हो रहा है, रोज की बेसिस पे हम देखते हैं। अच्छा, अब ये तो आगे सारे प्रॉब्लम्स आ गए ना जी, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स की जो मेन जड़ है वो मैंने आपको बता दी है कि जब तक
एक थर्ड पार्टी ऑडिटर के लिए या एक थर्ड पार्टी जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हो गया, जैसे जैसे आप दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, रियल स्टेट के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसा है, आप इसके अंदर भी इसको भी किसी चेक एंड बैलेंस पे लेकर आए। और इसको जब तक आप चेक एंड बैलेंस में नहीं लेंगे, इसी तरह मामला खराब होते रहेंगे, लोगों के मसले मसाइल उजागर होते रहेंगे। आज किसी का कोई इशू है, कल किसी का कोई इशू होगा, आज एक हाउसिंग सोसाइटी वाला पकड़ा गया, कल दूसरा पकड़ा जाएगा, परसों तीसरे के ऊपर नैप के केस होंगे। इसके अंदर आप किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे? मैंने अगेन वही कहा है कि दो बातों में से एक बात पे यकीन कर लें, या तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज और रियल स्टेट का काम करने वाले ये सारे के सारे माफिया हैं, या दूसरी बात पे ये यकीन कर लें कि कोई माफिया नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर अम्ब्रेला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस किसी किस्म का नहीं है। अब हमें करना क्या है? अब सवाल ये है, इसका पार्ट टू ये है कि हमने इसको करना क्या है, हमने किस तरह इसको अवॉइड करना है। देखें वो एक बंदे ने ना एक तस्वीर लगा दी, तो उसने ना उसके ऊपर लिख दिया कि गलतियां निकालें। अगले दिन जब वो बंदा आया ना, तो वहां पे नीचे जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 1000 गलतियां थी जो निकाल के लोग चले गए थे। अब उसने सिर्फ उसकी तहरीर बदल की कि गलतियां निकालने के बाद इनकी करेक्शन भी करें। अगले दिन जब वो बंदा आया देखने के लिए कि कितने लोग हैं, तो कोई भी नहीं था। करेक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ गलतियों को पॉइंट आउट करना। पूरा मीडिया सुबह से शाम तक सुनते रहे, फलां चोर है, फलां चोर है, आज मैं किसी को चोर कह रहा हूं, कल कोई मुझे चोर कहेगा, परसों कुछ होगा, ऐसे नहीं है। अब आते हैं कि हमने इनसे बचना कैसे है, इस तरीकाकार को इस एक्सपीरियंस के अंदर जो हमारी एक लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं, जैसे भी हैं आप जूंगे तू मामला तो रहेंगे ही रहेंगे, और जैसे भी ये मामला चल रहे हैं, इन मामला को अवॉइड करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले जी, बी वेरी लोकल, बहुत अपने आप को साफ सुथरा रखें, सीधा सीधा रखें कि जी मैं भाई कोई वो नहीं हूं कि जो मैं रोज 4 बजे गोल्फ कोर्स में ना जाऊं तो मुझे जो है ना वो नींद नहीं आती। नहीं, लोकल रहें, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, बेसिक नीड्स को समझें सबसे पहले कि मैं जो घर बना रहा हूं, देखिए घर ख्वाब होता है, मैं समझता हूं कि हर बंदे के लिए घर बनाना एक ख्वाब है, मगर उस ख्वाब के अंदर थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल भी तो भाई करें ना। एक घर में आप आ गए, आपको DHA में एक घर मिल जाता है, आपको बहरिया में एक घर मिल जाता है, आप घर ले लेते हैं। अब घर लेने के बाद आप अपनी जरूरियात को देखें, आपके पास नज़दीक बैंक्स होने चाहिए, ग्रॉसरी शॉप्स नज़दीक होनी चाहिए, स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमास, ये सारी चीज़ें आपके नज़दीक होनी चाहिए। अब इनके लिए भी लोकल, पहले हाउसिंग सोसाइटीज़ को विज़िट करें, इर्द गिर्द की सराउंडिंग देखें कि क्या यहाँ पर बन चुका है। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में, ठीक है, मैं डिस्करेज नहीं करता, हम खुद पेमेंट प्लान पे चीज़ें बेचते हैं, मगर जब भी आप पेमेंट प्लान पे भी अगर लेने जाते हैं, पेमेंट प्लान पे लेने जाते हैं, पहले थोड़ा सा तो देखें ना। देखें, अगर मैं कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर ये यहाँ पे एक पौधा लगेगा जो पौधा 10 साल बाद आपको फल देगा, आप कहते हैं ठीक है। आप मुझसे पूछते हैं, एक सवाल है ना, आप मुझसे पूछते हैं भाई आपने जमीन खरीदी है जहां पे पौधा लगाना? मैं कहता हूं नहीं सर, अभी पैसे दे दे, मैं बाद में खरीदूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप हंसेंगे ही उसके ऊपर। अगर चले ठीक है, मैं आपको कहता हूं सर एक जमीन मैंने खरीदी है, यहां पे पौधा लगाना है, 10 साल बाद ये पौधा बड़ा होगा, तो आप कम अज कम मुझे ये तो पूछेंगे कि भाई उसका बीज, उसका पौधा छोटा बेबी लगा दिया है, वो कितना ग्रो किया है, कितना बढ़ रहा है, कुछ तो देखें, कुछ तो देखें, मास वाइड टीवी की एडवर्टीजमेंट के अलावा कुछ तो देखें, कुछ लोकल चीजों को अंडरस्टैंड तो करें कि लोकल है क्या, और रियलिटी के नजदीक रहें, बिल्कुल सिंपल रह के रियलिटी के इर्द गिर्द आप देखें। और सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तब खरीदें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अमूमन रियल स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा तबका मैंने देखा है जो इन प्रॉपर्टी माफियाज के हाथ चढ़ता है, वो ये है कि मेरे पास 10 लाख रुपया, मैं कनाल का प्लॉट ले लेता हूं, उसकी डाउन पेमेंट दे देता हूं, 3 महीने सबर करूंगा, 3 महीने के बाद जब रेट ऊपर होंगे, ठीक है, तो मैं इसको बेचूंगा, ये 10 लाख रुपए का मेरा 15 लाख रुपया हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी जगह पे आए जो माफियाज हैं, वो क्या करते हैं, वो फाइल के रेट जो है, वो शुरू शुरू में फाइल जो है वो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, थोड़ी सी बुकिंग हुई है,
खुद से बाइंग बैक शुरू कर दी है, वो जी वो बंदा बताता है आपको, सर वो फाइल 2 महीने पहले 10 लाख रुपए दी बिकी सी जी, हूँ वो 12 लाख रुपए दी हो गई है। अच्छा आप कहते हैं अच्छा यार 12 लाख की होगी, वो सर मेरा जानने वाला है, मैं आपको 11 लाख रुपए की ले दूंगा, आप देखें इसके अंदर कैसे पैसे पड़ने हैं। आप कहते हो यार मेरे पास तो है ही 15 लाख रुपए। वो कोई गल नहीं सर, तुसी 15 लाख रुपए ये बस ऐसे हमने लिए, ऐसे ही ये बिक जानी, हमको जरूरत ही नहीं पड़नी आगे कोई किस्त देने की। अब यहाँ पे आके आपके कंसल्टेंट ने 1 लाख रुपए के लिए, जो शायद उसको 10 लाख की वो फाइल सोसाइटी से मिल रही है, उसने 11 की आपको दी, मार्केट में दिखाया 12 लाख रुपए की बिक रही है, अब आपने अपना 15 लाख रुपए वहां पे झोंक दिया, अब आप फंसे। अब सोसाइटी आपको कहेगी, कंसल्टेंट कहेगा सर जी रेट तो उत्ते थल्ले होते रहते हैं, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, आपने चीज खरीदी है रेट्स है मार्केट के। अब आपके पास अगले पैसे हैं किस्त देने के लिए, अब आप अपनी अगली दो किस्तें ना दें और सोसाइटी आपका प्लॉट कैंसिल करेगी, एज पर लॉज वो 25% 20% कटौती करेगी, बाकी पैसे जनाब आपके हाथ में पकड़ाएगी नहीं, वो बाकी पैसों का आपको चेक मिलेगा और रेस्ट श्योर के सालों लग जाएंगे उस चेक को क्लियर होने में, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं है। तो आपने ये गलती यहां पे आपने की है, यहां पे ये गलती आपने की है कि मैंने अगेन वही कहा कि बजट नहीं है तो मत खरीदें, कनाल का बजट लेके जेब में 5 मरला के पैसे हैं और कनाल का प्लॉट लेने चले हैं, मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या होना चाहिए। आपके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है और यही होना चाहिए। आप लोगों को मैं बारह दफा एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर मेरे पास आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मैंने अगले 5 साल के अंदर 1 कनाल का घर लेना है या 1 कनाल का प्लॉट लेना है, जिसकी कीमत हम एग्जांपल लें जिसकी कीमत हम कहते हैं 2 करोड़ रुपए, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये मसला है कि आप 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपए की फुल पेमेंट पे या वो चीजें जो रेडी हो रही हैं या बन रही हैं वो आप छोटे छोटे यूनिट्स लेके रख दें, कल को आपको जरूरत पड़ती है आप उन यूनिट्स को सेल आउट करें, 4-5 साल बाद लेना ना, चले जी आज मैंने भी आपको वो यूनिट बेच दिया जो तो बिकना ही नहीं चाहिए, अगले साल तक नहीं बिकना, मगर आपने उसके पैसे तो दे दिए हैं, आपने उसके पैसे पे कर दिए हैं, आपने उसकी किस्तों में नहीं फंसे हुए, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, आप उसको रेंट आउट कर दे। फजील ने गलत कह दिया जी, फजील ने गलत कह दिया कि जी सर जी ये अपार्टमेंट ले ले, 30 लाख रुपए का अपार्टमेंट है, 5 साल बाद 50 लाख रुपए का हो जाएगा, 5 साल बाद वो अपार्टमेंट मौके पे मौजूद है, डिलीवर हो गया, 5 साल बाद वो नहीं होता 50 लाख रुपए का, 5 साल बाद वो 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट है। मगर ये भी तो देखें कि आपको इतने टाइम टेन्योर में आपको रेंट मिल गया, एक चीज इतने टाइम टेन्योर में आपको रेंट मिला, इतने टाइम टेन्योर में प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, ना कि आपके हाथ में वो 2 कागज हैं जिसे आप लहराते फिर रहे हैं और लोगों से रेट पूछते फिर रहे हैं कि यार इस प्रॉपर्टी का इस वक्त क्या रेट है। वो सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि आपने अपनी हैसियत से ज्यादा प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश की है जिसके अंदर आपके पास पैसे नहीं है, तो बजट के अंदर रहे, ठीक है। हमेशा अगली चीज हमेशा यही कहता हूं, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी। जी मैं अगर आपको कहता हूं कि सर एक प्रॉपर्टी ले लें, तो क्या आपका यह हक नहीं बनता कि आप मुझे कि फजील साहब चले मेरे साथ वो प्रॉपर्टी दिखा दें कहां पे मौजूद है प्रॉपर्टी। मैं कहता हूं सर वो आप देख रहे हैं वो रावी के पुल पे, वो सर वो जहां पे पानी खड़ा है, ये बस जिस दिन पानी उतर गया ना रावी का, तो ये नीचे ही आपके प्लॉट है, ये नीचे ही आपके प्लॉट है, ये पानी बस खत्म हो ले रावी का पानी, जिस दिन इंडिया ने बंद कर दिया उस दिन आपकी यहां पे प्लॉटिंग क्लियर हो जानी। क्या ये वाइस डिसीजन है क्या ये चीजें खरीदने के लिए? मैं आपको बखुदा मैंने अखबार के अंदर देखा है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी 50,000 रुपए का प्लॉट लें, प्लॉट फिल वक्त रावी के पानी में मौजूद है, जो ही पानी खत्म होगा या खुश्क होगा आपका प्लॉट आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। देखें किस किस तरह के ये मजाक हो रहे हैं और किस किस तरह की चीजों के अंदर उसको भी 20-25 लोग ऐसे मिल गए होंगे, ऐसे लालची मिल गए होंगे कि जो वो पैसा उसको दे देंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है जी, प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ी जरूरी है इसके अंदर। अच्छा अब आप इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, ठीक है जी, आप कहते हैं नहीं फजील ऐसा नहीं है, हमने थोड़े थोड़े पैसे करके करना है, हमारा इंस्टॉलमेंट की चीजें हैं हम उसको लेना चाहते हैं। मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर अमूमन लोग आते हैं तो वो लोग कहते हैं जी हमने 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है,
मैंने कहा जी ये 65 लाख रुपए का, वो जी हमारी किस्तें थोड़ी छोटी कर दें, ये कर दें। मैं हमेशा उनको ये समझाता हूँ भाई, इंशाल्लाह कभी 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी लोगे, मगर अगर आपके पास इस वक्त पैसे की कमी है तो स्टूडियो ले लो। स्टूडियो 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप 65 लाख का लेंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट 30-32 लाख रुपए का ले लो। कम अज कम सुकून से सोओगे तो सही कि मैंने प्रॉपर्टी ली थी, मेरी प्रॉपर्टी साफ सुथरी है, क्लियर है, नीट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद इंस्टॉलमेंट पर प्रॉपर्टी लेने के बाद आप अपडेट्स भी लेते रहे अपनी प्रॉपर्टी की, मैंने जो इंस्टॉलमेंट्स भेज रहा हूँ अब मुझे ही भेजते हैं। एक डाउन पेमेंट आपने मुझे दे दी, आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा फजील साहब आप क्या बना रहे हैं, मैं कहता हूँ सर मैं ये नया प्रोजेक्ट पार्क टावर का शुरू किया। आप मुझे कहते हैं चले आए साइड पर चलते हैं, साइड पर जाके आप देखते हैं बेसमेंट बन गई है, ग्राउंड फ्लोर पर काम हो रहा है। आप हक रखते हैं, आप मुझे डाउन पेमेंट देने लगे हैं, आप मेरे से हक रखते हैं, आप मुझे कहते हैं फजील साहब ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या ये किसके नाम पे है, क्या हम इसको सोसाइटी वगैरह से चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सर तो बिस्मिल्लाह आप चेक करें, आपको ऑनरशिप अगर प्रूफ होती है सोसाइटी से पूछेंगे यस ये ओके है तो सोसाइटी कहती है ओके, आप मुझे डाउन पेमेंट दे देते हैं कि चलो जमीन इसके पास है, काम इसने शुरू कर दिया, भाग के जाएगा कहाँ पे, वहां पे ये चीजें पड़ी रहेंगी। आपने मुझे 25 इंस्टॉलमेंट दे दी, मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स आपके प्रोजेक्ट पे नहीं लगा रहा, वो आपका प्रोजेक्ट हो गया ना, वो मेरा तो नहीं रहा, मैंने तो चीज बेच दी जी, मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर या एक डेवलपर की तरह वहां पे काम कर रहा हूं। आप लोग फॉलो ही नहीं करते, वो किस्त कर जी, वो किस्त दे दें जी, वो कर लेंगे जी, वो हो जाएगा। कॉशन है, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स के बाद जरूर अपनी प्रॉपर्टी को देखें कि मेरी प्रॉपर्टी कहां पे पहुंची है। और अगर कोई आपको कहता है नहीं जी वो आपकी प्रॉपर्टी तो बन जाएगी जी, हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप उसके साथ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें ये मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पड़ी हुई है, काम करना है तो ठीक है, नहीं करना कोर्ट चलो भाई, किसी भी अदारे पे चलो, FIA में कंप्लेन करें, इमरान खान के पोर्टल पे कंप्लेन करें, कहीं पे भी कंप्लेन करें, मगर उसको डिस्कस तो करें कि ये बंदा मेरे से पैसे ले चुका, प्रॉपर्टी बना नहीं रहा, ये मेरा पैसा लेके कहां पे जा रहा है। इंतजार जितना लंबा आप लटकेंगे उतना ही लंबा, उतना ही इशू आपके लिए क्रिएट होगा। 5-5 साल 7-7 सालों से मैं लोगों को देख रहा हूं कि इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड आ जाएगी। अगर आप मुझे एक सिर्फ सिंपल सी चीज बता दें, जिस दिन आपने एक कनाल 60 लाख रुपए का बुक करवाया था उस दिन आपके पास 20 या 25 लाख रुपया था, आप उस 20 से 25 लाख रुपए के अंदर आपने कोई छोटा यूनिट, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट, कोई बेसमेंट के अंदर दुकान, कोई छोटा सा प्लॉट, कोई प्राइवेट लैंड जो मौके पे मौजूद थी आप उसको लेके रख देते, अगले पैसे कमाते रहते, फिर 25 आता वो भी बढ़ गया होता, अगले 25 को साथ मिलाते कि मौके पे जाके हाजिर भाई ये चीज है ठीक है मैं पैसे दे रहा हूं आप मुझे इसका पोजेशन दे दें। इस तरह की चीज के लिए हम अपने आप को हमेशा डालते ही लेवरेज में है, क्योंकि अब जिंदगी को गुजारने के लिए हमने अब कैलकुलेटर का सहारा ले लिया हुआ है, इतनी पे आएगी, इतने पैसे वहां पे चले जाएंगे, इतने पैसे वहां पे चले जाएंगे। रियलिटी के अंदर चीजें डिफरेंट होती हैं। आप किसी को चोर कहने से पहले, किसी को लैंड माफिया कहने से पहले, किसी को किसी चीज का कोई भी नाम देने से पहले, वो कारोबार कर रहा है भाई, वो कारोबार कर रहा है। मैं आप मेरे पास दफ्तर तशरीफ रहते हैं, मैं टेबल की इस साइड पे हूं, हमेशा बेनिफिशरी डिसीजन लूंगा, और आप अगर उस साइड पे, तो आप अपनी साइड को सिक्योर करें कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। चीजों को देखभाल के जब आप लेंगे, प्रॉपर्टी माफियाज या सब हैं या कोई भी नहीं है, आप खुद ट्रैप होते हैं, आप अपने उन आइडियाज के साथ, उन कैलकुलेशंस के साथ। मुझे ये बताए ना कि अगर आपने, बड़ी मजे की बात है, एक एग्जांपल हम पुट करते हैं, बहरिया टाउन के अंदर सेक्टर एफ के अंदर लोगों ने फाइलें ली 31 लाख रुपए की, कुछ लोगों के प्लॉट निकल आए, कुछ लोगों को प्लॉट नहीं मिले, जिनके निकल आए आज उनका 75 लाख रुपए का प्लॉट है, जिनके नहीं निकले, बैलेटिंग नहीं हुई, आज उनकी फाइल तकरीबन 40% माइनस पे है। बहरिया में वापस करेंगे तो 25% या 20% कटौती होगी। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या किस्तें पूरी दी थी, लोगों ने किस्तें रोक ली,
डेवलपर ने डेवलपर को भी पता होता है, डेवलपर को भी पता होता है कि कौन किस्तें दे रहा है कंटिन्यूस, कौन किस्तें नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बैरियर टाउन बिल्कुल ठीक है, गलती दोनों साइडों से थी, मगर थोड़ा सा वो 31 लाख रुपया आप उस वक्त, आज उस 31 लाख का प्लॉट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं आपको मिलेगा, आज 75 लाख रुपए का प्लॉट है, मगर उस 31 लाख रुपए में अगर आपने कोई छोटी प्रॉपर्टी ली होती तो क्या आज वो 31 लाख रुपए यही था? वो तो प्रॉपर्टी बढ़ गई होनी थी। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी जो हैं, देखें छोटे छोटों से कतरे कतरे से दरिया बनता है। चीजों को या तो पूरा एनालिसिस करें, और अगर आप कहते हैं कि मैंने एक चीज में जंप लगा ही दिया, जी आपने बहरिया में आपने बुकिंग कर ली है, मेरे से बुकिंग करवा ली है, zameen.com का कोई प्रोजेक्ट आपने ले लिया, तो फिर भाई होल्डिंग की पावर रखें, होल्डिंग की पावर रखें, अपनी किस्तें देते रहें टाइम से। अब मैं आपकी किसी वीडियो पे कमेंट करता हूं तो मैं तो बड़ा सिंपल कह दूंगा कि भाई वो ये साहब जो है इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। दोनों साइडों की दास्तान क्यों नहीं कोई सुनता? दोनों साइडों की दास्तान ये है कि भाई मेरे पास थे ही 20 लाख रुपया, मैंने उसके बाद किस्तें नहीं दी, प्लॉट निकला नहीं। कुछ लोग कहेंगे जी मैंने पूरी किस्तें दी हैं, जी बिल्कुल पूरी किस्तें दी हैं, कुछ कहेंगे हमें प्लॉट मिल गए हैं, कुछ कहेंगे हमें प्लॉट नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए चेक एंड बैलेंस की चीज की जरूरत है। गलतियां हर साइड पे हैं, और सबसे बड़ी गलती ये है कि जो मैंने आपसे शुरू में अर्ज की कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की अथॉरिटी होनी चाहिए, हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर, हर बंदे के ऊपर। कैसे वो करे कि आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आपने उस प्रोजेक्ट की हाफ पेमेंट कर दी और आपका प्रोजेक्ट हाफ ना बनाओ? मतलब ये कोई चीज है, ये कोई बात है करने वाली? आपके ऊपर अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बैठा हो, एलडीए बैठा हुआ, जी एलडीए क्या करेगा? एलडीए के पास आप जाएं, मेरे साथ एक बंदे ने फ्रॉड कर दिया, एलडीए कहेगा ये हमारा मुतलका डिपार्टमेंट ही नहीं है, जी आप थाने में जाएं या आप किसी वकील के पास जाएं। वकील के पास जाएंगे, वकील कहेगा कि जी इसके ऊपर जो है ना वो फ्रॉड का केस लगा देते हैं, और वो 420 का केस लगा देगा, और वो 420 के केस के अंदर जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, मैं बेल लेके बैठ जाऊंगा कि जी आपने मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने इनको प्रॉपर्टी देनी थी, मैं बना रहा हूं, अभी नहीं बनी, बनेगी तो मैं इनको दे दूंगा, देने हैं जी मैंने इनके पैसे देने हैं। ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा चीजों को घूम फिर के देख के, लोगों को देख के देखें जी, आपने अगर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया कमाया तो क्या आप रोटी को चोची कहते हैं? लाजमी बात है आप भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, जहां से आपने ये काम किया, जहां से ये पैसा कमाया। तो जब आप लगा रहे हैं पैसा, या जब आपने पैसा लगाना है, तो उसके अंदर भी आप ये देखें कि मैं जब पैसा लगा रहा हूं किस ग्रुप के साथ लगा रहा हूं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पहले क्या कर चुके हैं, जिस प्रोजेक्ट को मुझे ऑफर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का कितना हिस्सा बन गया, कौन सा एरिया डेवलप किया है, कौन सा एरिया अभी पेंडिंग है, फ्यूचर में क्या करेंगे। जहां पे जरा सा आपको लगता है कि मुझे शक है, वहां पे रुक जाएं, चाहे वो मेरा ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, वहां पे रुक जाएं, क्योंकि जिस चीज के अंदर पहले दिन आपने शक का एलिमेंट डाल के काम कर लिया है, अब ये काम मुकम्मल नहीं होगा। वो कहते हैं ना ए गल सिरे नहीं चढ़नी, ये तोड़ कभी नहीं चढ़ती। तो इसको अपने काम को करने के लिए इन चीजों को पहले स्टडी करें। जिन लोगों ने अपने आप को जो कहते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया, हमारे साथ रियल स्टेट में हाथ हो गया, या हमारे साथ हमने अपनी फाइलों को बेच दिया, वो एक दफा एनालिसिस करें कि कौन सी गलती की, कहां पे आके मेरे से गलती हुई, जिस गलती के लिए मुझे ये खमियाजा भुगतना पड़ा। इंसान दो चीजें हैं जी सिंपल, या तो आपको जिंदगी में अच्छा गेन मिल जाता है, और अच्छा गेन ना मिले तो अच्छा सबक तो बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ों को, कमेंट्स ज़रूर दें मुझे मेरे फेसबुक के, यूट्यूब के चैनल पे आप अपने कमेंट्स करें। आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं आप वो बताएं। टॉपिक्स बहुत से हैं, चीज़ों को डिस्कस करना है, मगर फिर उसके अंदर हिम्मत ये रखनी है कि मैं दोनों साइडों को एनालिसिस करूंगा। अगर आप मुझे कहें कि फजील साहब आप बैरियर टाउन को पकड़ें और रगड़ दें, और डीएचए को पकड़ें रगड़ दें, तो देखें जी मैं दोनों साइडों की बात करूंगा।
जो हमारा एक ह्यूमन इंट्रैक्शन है, बीइंग अ नेशन हम जिस तरह के काम करते हैं, मैं उस फैक्टर को भी साथ डिस्कस करूंगा जो ह्यूमन फैक्टर आता है, और साथ वहां पे जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज ज्यादती कर रही हैं उस फैक्टर को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी की पेरोल पे नहीं हूँ। हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने डेवलपमेंट करते हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं। अगर किसी ने मुझे कोई प्रोजेक्ट देना है तो मैं तो उसको जी छानबीन करूंगा, समझ में आएगा तो करूंगा, वरना समझ में नहीं आएगा तो मैं उससे सिंपली माजरत कर लूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज़ को अपने लिए बेहतर समझता हूं मैं वो चीज़ लोगों को हमेशा ऑफर करता हूं, और जो चीज़ मुझे लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ में फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो चीज़ मैं कभी भी अपने किसी दोस्त को, किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को, जो भी आप कह लें, मैं कभी भी ऑफर नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स इस लंबे टॉपिक के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दें कि किस टॉपिक पे, इसी टॉपिक को हम आगे लेके बहुत सी बातें इसके अंदर कर सकते हैं, और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जब आप कमेंट्स करेंगे तो उसके अंदर मुझे आइडिया होता रहेगा कि किन चीज़ों को हमने डिस्कस नहीं किया, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए थॉट प्रोसेस, मैं अगेन वही बात करता हूँ, इस कमेंट के नीचे आप आएँ, आपके पास टाइपिंग है, आप एक गाली लिख के चले जाएं, उसके साथ क्या होगा? आसमान पे अगर आप थूकेंगे तो क्या होगा? मुंह पे ही गिरेगा ना आके, वो तो इसका हल नहीं है। हल ये है कि वहां पे सजेशन दें, वहां पे सजेशन दें, अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने बैड एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि जिस तरह लोग मेरे, अगर किसी ने मुझे 40 मिनट सुन लिया है तो वो आपकी बात को भी जरूर पढ़ेगा, शायद शायद आपके उस एक्सपीरियंस से, आपके उस नुकसान से शायद आपका कोई भाई, कोई आपका मुसलमान भाई बच जाए उससे कि यार ये इस तरह करके ये हुआ था, ये मैंने इस तरह किया था और इसके ऊपर मेरे साथ ये नुकसान हुआ या मुझे ये फायदा हुआ। मैं अकले कुल नहीं हूं भाई, जो फजील आपके साथ डिस्कस कर रहा है, जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो 100% नहीं है। शायद आपके पास इससे अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे जिन एक्सपीरियंसेस को हमें लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप पॉजिटिव एंड में बताएं कि मैंने बहरिया टाउन में एक प्लॉट लिया, मैंने ये वजह थी ये लिया, इतनी किस्तें दी, इतने टाइम में दिया और फिर मेरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये हुई। आप ये भी कमेंट करेंगे जी मैंने बहरिया टाउन में DHA में प्लॉट लिया, मुझे इतने साल लग गए, उन्होंने हैंडओवर नहीं किया। आपने कभी कोई चीज़ लेवरेज पे ली है कि मैंने किस्तों पे चीज़ ली थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मुझे, मैं किस तरह बच के वहां से निकला, कितना नुकसान किया, कितना फ़ायदा किया, ये आइडियाज़ आप एक दूसरे के साथ शेयर करें। और ये कम्युनिटी चैनल है, कम्युनिटी चैनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि चीज़ों को डिस्कस किया जाए। मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ, डेफिनेटली हमारी वीडियोस प्रमोशन के लिए भी होती हैं जिनके अंदर हम अपने प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। इस दुनिया में कुछ नहीं बिकता, सिर्फ नॉलेज बिकता है। नॉलेज को गेन करें, नॉलेज जितना आपके पास होगा उतना आप चीज़ों के जो अंदर हर्डल्स प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जिंदगी में, सुबह के टाइम जब आप घर से निकलते हैं तो पूरे दिन का आप एक दिन का एक्सपीरियंस और गेन करते हैं, जो कि आपके अगले आने वाले दिनों के लिए वो फायदेमंद होता है। तो इसी तरह इसको भी आप एक नॉलेज की तरह समझें और अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ इसलिए शेयर करें कि इलम बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आपको बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और बहुत से लोगों का गिला शिकवा है कि जी मैं आता नहीं हूँ व्यूअर्स, थोड़ा टाइम कम मिलता है, कोशिश करूंगा आपके साथ कंटिन्यूटी रखूँ। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।